In this particular video, we are going to learn about the candlestick charts. Now, what are candlestick charts? It is basically used by the stock analysts who carry out the daily stock analysis, or maybe for the technical analysis to chalk out the trend of the stocks. Now, what is technical analysis? Technical analysis में क्या होता है? आपके पास stock के prices होते हैं, historical stock prices होते हैं. उनको आप analyze करते हो to understand the trend and maybe to forecast कि future में क्या प्राइस होगा स्टॉक का अकॉर्डिंग टू सम सर्कमस्टांसेस. तो ये चार्ट जनरली यूज होते हैं टेक्निकल एनालिसिस के लिए. पीपल हु आर इन्वॉल्व्ड इन ट्रेडिंग ऑफ द स्टॉक्स, दे जनरली यूज दीज काइंड ऑफ चार्ट्स, बेसिकली दोज हु आर कनेक्टेड विद द टेक्निकल एनालिसिस मेनली. नाउ मेक श्योर यू हैव द रिक्वायर्ड डेटा विथ योर सेल्फ. मैंने यहाँ पे डेटा मैंने गूगल से निकाल लिया है. आई हैव टेकन इट डाउन फॉर द TCS स्टॉक. मैंने डेट 2 मंथ्स का मैंने स्टॉक प्राइस निकाला है. आप देख सकते हो 6 फेब 2020 से 3 अप्रैल 2020, 2 मंथ्स का मैंने निकाला है. ओपनिंग प्राइस, हाई, लो एंड क्लोजिंग प्राइस. नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस? जिनको ये टर्म्स नहीं पता है एकदम क्विकली सुन लो. ओपनिंग, आपको ये पता होगा कि स्टॉक एक्सचेंज का जो ट्रेडिंग है वो 5 डेज इन अ वीक होता है. सैटरडे संडे इट इज़ ऑफ एंड जनरली ऑन द नेशनल हॉलीडेज और एनी एमरजेंसीज में ऑफ रहते हैं. नाउ व्हेन द स्टॉक एक्सचेंज ओपन्स, तो जो ओपनिंग प्राइस उस पर्टिकुलर स्टॉक का होता है वो यहाँ पे आ जाता है. उस पूरे दिन में जितना भी ट्रेडिंग हुआ एंड स्टॉक ने जितना भी हाईएस्ट प्राइस अटेन किया वो हो जाते हैं हाई. उस पर्टिकुलर दिन में जितना भी लोएस्ट प्राइस हमारे स्टॉक ने अटेन किया दैट बिकम्स द लोएस्ट प्राइस. एंड जब स्टॉक एक्सचेंज क्लोज होता है उस टाइम पे जो प्राइस होता है स्टॉक का दैट बिकम्स द क्लोजिंग प्राइस. सो दीज आर द डेटा विच आई हैव. ये होना आपके पास बहुत ज़रूरी है फॉर आर दिस पर्टिकुलर कैंडलस्टिक चार्ट. नाउ आई एम यूजिंग 2010 वर्जन ऑफ एक्सेल. इफ़ यू आर यूजिंग द हायर वर्जन विच इज़ 2016 और 19, आपके थोड़े चार्ट्स में डिफरेंसेज होंगे. एज इन आपका ये जो इंसर्ट टैब है इस जगह पे चार्ट्स की जगह पे यहाँ पे आपके पास एक रिकमेंडेड चार्ट्स का ऑप्शन होगा. जब आप रिकमेंडेड चार्ट्स के ऑप्शन को क्लिक करोगे वहाँ पे एक ऑल चार्ट्स का ऑप्शन आएगा. ऑल चार्ट्स में जाके यू विल गेट एन ऑप्शन, यू विल गेट अ ग्रुप कॉल स्टॉक्स. फॉर दोज हु आर यूजिंग द अर्लियर वर्जन्स लाइक माइन, आपके यहाँ पे एक अदर चार्ट्स का ऑप्शन है. यहाँ पे यू हैव अ स्टॉक ऑप्शन. सो दीज आर द 4 बेसिक कैंडलस्टिक चार्ट्स. इसको हम कैंडलस्टिक चार्ट बोलते हैं बट यू कैन सी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टॉक. बेसिकली दिस इज डन ओनली फॉर द स्टॉक एनालिसिस एंड हेंस इसको हम स्टॉक चार्ट भी बोल सकते हैं. सो दीज आर द 4 वेरियंट्स ऑफ कैंडलस्टिक चार्ट्स. 4 वेरियंट है, चारों वेरियंट का अलग अलग यूज़ है. आपको जैसे प्रेफरेबल है आप वो यूज़ कर सकते हो. पहला वाला वेरियंट में क्या है, देखो, हाई, लो एंड क्लोजिंग प्राइस. सो दीज आर द 3 प्राइसेस विच यू रिक्वायर. ओपनिंग प्राइस इस केस में नहीं चाहिए. सेकेंड वाले वेरियंट में आपको मिलेगा ओपनिंग, हाई, लो एंड क्लोज. तो चारों वेरियंट, चारों डेटा हमारे पास है हमारी शीट में. सो वी फॉलो द सेकेंड वेरियंट. थर्ड वेरियंट है वॉल्यूम, हाई, लो एंड क्लोज. तो यहाँ पे ओपनिंग प्राइस का ज़रूरत नहीं है. यू कैन डू दिस ऑल्सो इफ़ यू वॉन्ट. अभी के लिए सेकेंड वेरियंट सीख लो एंड देन यू कैन गो फॉर द अदर वेरियंट्स एज वेल डिपेंडिंग योर डिपेंडिंग ऑन योर पर्टिकुलर यूज़. फोर्थ वाला वेरियंट इज वॉल्यूम, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज. सो ऑल द 5 डेटा, ऑल द 5 सीरीज ऑफ वैल्यूज यहाँ पे हमें चाहिए. वील गो फॉर द सेकेंड वेरियंट. तो सिंपली हम सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है, वील सेलेक्ट द इंटायर डेटा विच वी हैव. अदर चार्ट्स में जाएंगे, सेकेंड वाले वेरियंट पे क्लिक करेंगे एंड एज यू कैन सी हमारा बहुत सुंदर सा वेरियंट यहाँ पे कैंडलस्टिक चार्ट बन गया. इसको एडिट करना पड़ेगा ऑब्वियसली समझने के पहले. उसके पहले आई वुड एडवाइस यू जस्ट कॉपी डाउन वॉट एवर इज रिटन इन द स्लाइड बिकॉज आपको ये फ्यूचर में याद नहीं रहेगा इफ़ यू डोंट प्रैक्टिस इट. एंड वंस यू हैव रिटन डाउन आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा. सो जस्ट राइट डाउन वॉट एवर इज देयर ऑन माई पर्टिकुलर स्लाइड. अब हम लोग इस चार्ट को थोड़ा एडिट करेंगे. एज यू कैन सी दिस इज द वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस ये लेजेंड है. लेजेंड का हमें ज़रूरत नहीं है, इसे हम हटा देते हैं. आप देख सकते हो 2 मंथ्स के टाइम में द लोएस्ट प्राइस विच माई स्टॉक अटेन वॉज अराउंड 1500. तो
तो इसको हम डबल क्लिक करेंगे वाई एक्सिस पे, या फिर आप राइट क्लिक कर सकते हो, राइट क्लिक करके फॉर्मेट एक्सेस कर सकते हो। एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, इस डायलॉग बॉक्स में मिनिमम वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं एंड वी कैन मेक इट एज 1500, मैक्सिमम वैल्यू को रखते हैं 2500 रखते हैं एक बार, मेजर यूनिट को हम कर देते हैं 50, इसको हम कर देते हैं 25, क्लोज किया। स्टिल आई कैन मेक इट बेटर, मैक्सिमम वैल्यू आई कैन टेक इट एज 2300, तो इससे हम अगेन चेंज कर सकते हैं, आई कैन मेक इन 2300, जैसे आप अपने डेटा को ठीक करना चाहो। 50 कर दो इसे। ग्रिड लाइंस का ज़रूरत नहीं है, यू कैन रिमूव द ग्रिड लाइंस, स्टिल यू कैन मेक दिस डेटा बेटर बाय सिंपली चेंजिंग द वाई एक्सिस। नाउ इट इज़ फाइन फॉर मी, ये क्लियर है अभी। जस्ट दैट इफ़ यू गो फॉर द एक्स एक्सिस, आपको दिखेगा कि डेट्स सारे मेंशन नहीं हैं, सारे डेट्स मेंशनड नहीं हैं यहाँ पे। तो हम राइट क्लिक करेंगे अपने एक्स एक्सिस पे, फॉर्मेट एक्सिस, एंड यहाँ पे एक मेजर यूनिट है फिक्स्ड, इसको हम कर देंगे 1 डे एंड क्लोज। अब आप देख सकते हो सारा हमारा डेटा इधर आ गया फॉर ऑल द डेज। अगर स्टार्टिंग में आपको ये बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग लग रहा है, यू कैन जस्ट गो फॉर 1 मंथ, तो आपके पास एक्स एक्सिस पे बहुत कम डेटा होंगे, सो इट विल बी ईजी फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड। नाउ दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर। एक चीज़ हम और करेंगे इस चार्ट में, वील ऐड द चार्ट टाइटल, सो वील ऐड द चार्ट टाइटल, यहाँ पे हम लिख देंगे TCS शेयर प्राइस, ठीक है, डन। और मे बी आई कैन जस्ट कॉपी दिस टू अनदर शीट, इट विल बी बेटर, अच्छे से मैं आपको समझा पाऊंगी फिर। या सो आई एम डन विथ माई कैंडल स्टिक चार्ट। अब इस कैंडल स्टिक चार्ट को समझना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इसको कैसे समझेंगे, उसके पहले सो द डिस्क्रिप्शन, द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी इंडिकेट द डिफरेंस बिटवीन द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग प्राइस। आई विल गो बैक टू द स्लाइड अगेन सो दैट यू ऑल कैन कॉपी द स्लाइड। बिफोर दैट, ये जो आपको दिख रहा है, मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देती हूँ। दिस इज द बॉडी पार्ट, ये जो है ब्लैक वाला या फिर ये जो वाइट वाला है, दिस इज द बॉडी पार्ट, इसको हम लोग बॉडी बोलते हैं। एंड ये जो लाइंस है दोनों साइड में, ये जो लाइंस आपको दिख रहे हैं, दीज आर द विस्क्स और द शैडो, आई रिपीट, विस्क्स और द शैडो, ये सब मैं आपको लिखवा दूंगी। सबसे पहले जस्ट लिसन टू मी प्रॉपरली सो दैट यू अंडरस्टैंड कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ दीज आर द बॉडी पार्ट्स, इसको हम लोग बॉडी बोलते हैं। एंड इसको हम लोग जो लाइंस आपको दिख रहे हैं साइड्स में ऊपर एंड नीचे, इसको हम लोग विस्क या फिर शैडो बोलते हैं। अब आपको दिख रहा होगा कोई आपका बॉडी ब्लैक है एंड कोई यहाँ पे ब्लैंक है। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू, जहाँ पे बॉडी ब्लैंक है, फॉर दोज केसेस ओपनिंग प्राइस इज मोर देन द क्लोजिंग प्राइस, आई रिपीट, आई एम सो सॉरी, क्लोजिंग प्राइस इज मोर देन द ओपनिंग प्राइस। जहाँ पे भी ये ब्लैंक है, जहाँ पे भी ये ब्लैंक है, कलर्ड नहीं है, ब्लैक नहीं है, उस केसेस में क्लोजिंग प्राइस ऑफ द स्टॉक इज मोर देन द ओपनिंग प्राइस। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स सपोज हम लेते हैं 19th मार्च 2020 का लेते हैं, 19th मार्च
2020, या दिस इज़ योर 19 मार्च 2020, इसको हम एक बार मार्क कर देते हैं. एज यू ऑल कैन सी द क्लोजिंग प्राइज इज़ मोर दैन द ओपनिंग प्राइज. इसको हम फिक्स कर देंगे सो दैट आपको कन्फ्यूजन ना हो. एज यू ऑल कैन सी 19 मार्च 2020 का क्लोजिंग प्राइज इज़ मोर दैन द ओपनिंग प्राइज. इसीलिए इस पर्टिकुलर शीट में 19 मार्च 2020 के शीट में देखो ब्लैंक है सेल, ब्लैंक है इसका बॉडी. ब्लैंक क्यों है? बिकॉज द क्लोजिंग प्राइज इज मोर दैन द ओपनिंग प्राइज. एक ब्लैक वाला ले लो, लेट्स सपोज हम लेते हैं 1 अप्रैल 2020. ओके यहाँ पे है 1 अप्रैल 2020, इसको भी हम मार्क कर देंगे विथ अनदर कलर. यहाँ पे आप देख सकते हो ओपनिंग प्राइस, ये आपका सारा प्राइस यहाँ पे दिया हुआ है हेडिंग. ओपनिंग प्राइस इज मोर दैन द क्लोजिंग प्राइस. सो व्हेन ओपनिंग प्राइस इज मोर दैन द क्लोजिंग प्राइस, उस केस में क्या होता है? उस केस में हमारा जो बॉडी है कैनल स्टिक्स का वो ब्लैक या फिर डार्क होता है. सो दिस इज हाउ यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द ब्लैंक बॉडी एंड द ब्लैक बॉडी. ब्लैक बॉडी के लिए क्या होगा? ओपनिंग प्राइस विल बी मोर दैन द क्लोजिंग प्राइस. का क्या मतलब है? ओवर द डे द स्टॉक प्राइस हैज़ फॉलन. इसीलिए उसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? ब्लैक से. नाउ देर आर वेज इन विच यू कैन फॉर्मैट, इन विच यू कैन फॉर्मैट दिस पर्टिकुलर चार्ट जिसे यहाँ पे आप लोग देख रहे हो. और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं. फॉर दोज हु आर यूजिंग 2019-2016 यू विल हैव बेटर ऑप्शंस. यू कैन डिनोट इट एज ग्रीन एंड रेड. रेड आप डिनोट कर सकते हो जहाँ पे आपका क्लोजिंग प्राइस वॉज लेस दैन द ओपनिंग, एंड ग्रीन आप डिनोट कर सकते हो जहाँ पे क्लोजिंग प्राइस वॉज मोर दैन द ओपनिंग एंड वाइस वर्सा. सो यू कैन डू दैट. ये है आपका. नाउ लेट्स गो फॉर द विस्क्स. विस्क का क्या मीनिंग होता है? ये जो सबसे ऊपर वाला है, जहाँ पे भी ऊपर वाला दिख रहा है पॉइंट, दीज आर द हाईएस्ट प्राइस इन दैट पर्टिकुलर डे. तो अगर हम इसका देखें 6 फेब 2020 का देखें, द हाईएस्ट प्राइस वाज, देखो अगर आप मेरे सीरीज को देखो, द हाईएस्ट प्राइस वाज अराउंड 2174. द हाईएस्ट प्राइस वाज अराउंड 2174. तो हम जाते हैं अपने डेटा में 6 फेब 2020, हाईएस्ट प्राइस वाज 2174. तो हमने क्या देखा कि विस्क का जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है, ये मेरे विस्क का जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है, दैट डिनोट्स द हाईएस्ट प्राइस. जब हम लोएस्ट, सबसे लोएस्ट पे जाएंगे, सो दिस डिनोट्स द लोएस्ट प्राइस. लोएस्ट प्राइस इज समवेयर अराउंड 20-21-25 के अराउंड है कुछ. ये वाला लोएस्ट प्राइस हमारा, सिंपली हम डेटा में जाके चेक करते हैं, लोएस्ट प्राइस इज अराउंड 21-15.5. तो एक चीज़ क्लियर हो गया दैट द डार्क बॉडी डिनोट्स क्लोजिंग प्राइस इज लेस दैन द ओपनिंग प्राइस. ब्लैंक बॉडी डिनोट्स ओपनिंग प्राइस इज लेस दैन द क्लोजिंग प्राइस. एंड जो विस्क है, सबसे ऊपर वाला पॉइंट डिनोट्स द हाइएस्ट पॉइंट, एंड सबसे नीचे वाला डिनोट्स द लोएस्ट पॉइंट. अब आप देख सकते हो बहुत जगह पे दिस बॉडी इज लाइंग ओवर हेयर एंड इसके नीचे एक लंबा सा विस्क है. इसका क्या मतलब है? उस पर्टिकुलर दिन पे बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हुए हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हुए हैं. इसका क्या मतलब है? दिस वॉज द हाइएस्ट प्राइस, दिस वॉज द क्लोजिंग प्राइस, दिस वॉज द ओपनिंग पॉइंट. आप जब कर्सर को लेके जाओगे ना अपने कैंडलस्टिक चार्ट पे, तो अपने आप सारा पॉइंट्स आते जाएगा. And this is the lowest point which you have. यानी कि lowest बहुत ज़्यादा गिरा था हमारा शेयर, and there was a huge gap between the highest and the lowest price. तो ये जब होता है ना, इसका मतलब उस particular दिन पे काफ़ी सारा trading हुआ है, trading activities बहुत थे उस particular stock में. जहाँ पे भी ये body, ये जो मेरे candlestick का body है, जितना ज़्यादा बड़ा होगा, that will denote more of a trading activity on that particular day. क्योंकि अगर opening price and closing price का difference ज़्यादा होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि उस particular दिन पे buying and selling of stocks बहुत ज़्यादा repeat हो रहा था.
ठीक है। तो ये आपका पूरा कैंडलस्टिक चार्ट है, वेरी सिंपल बट देन ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट टू एनालाइज, बिकॉज जनरली ऑब्वियसली दिस इज डन बाय द टेक्निकल एनालिस्ट्स हु जनरली डील इन दीज पर्टिकुलर चार्ट्स एंड दीज हु डील विद द स्टॉक प्राइसेस कंटिन्यूसली। यहाँ पे और भी सारे वेरियंट्स होते हैं, ये मैंने आपको खाली बेसिक समझाया है कि इसको हम लोग कैसे रीड करते हैं। नाउ देर इज बहुत सारे वर्ड्स हम उसमें यूज़ करते हैं जैसे कि हैमर एंड ऑल दैट, तो वो सारा जो चीज़ है वो पूरा टेक्निकल एनालिसिस में आ जाता है। फॉर योर ईज आई हैव रिटन इट डाउन ऑन माई स्लाइड, जस्ट कॉपी डाउन, वीडियो पॉज करके ये पूरा कॉपी कर लो। आई जस्ट रिटन डाउन द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी इंडिकेट द डिफरेंस बिटवीन द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग प्राइस, यानी कि ये जो डिस्टेंस है दिस डिनोट्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस का डिफरेंस। इफ द बॉडी इज ब्लैक देन इट इंडिकेट्स कि क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से कम था। इफ इट हैज़ अ लॉन्ग बॉडी, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया इस केस में लॉन्ग बॉडी, उस केस में देन इट इंडिकेट्स मोर बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज गुड फॉर ट्रेडिंग दैट पर्टिकुलर डे इज गुड फॉर, जनरली लोग डे ट्रेडिंग जो करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है व्हेन द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, एज देर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग प्राइसेस। द साइड लाइन्स आर कॉल्ड द विस्क, जो मैंने बोला, या फिर उसको हम लोग शेडो बोलते हैं, जनरली वी कॉल इट विस्क। कॉपी दिस डाउन प्लीज। ये मैंने दो डायग्राम्स यहाँ पे डाले हैं, हाईएस्ट प्राइस ओपनिंग क्लोजिंग, यहाँ पे ओपनिंग ज़्यादा है क्लोजिंग से इसीलिए ब्लैक है, एंड द लोएस्ट प्राइस। यहाँ पे आप देख सकते हो, आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो ब्लैक वाले को, जो यहाँ पे ब्लैक वाला था इसको आप रेड में डिनोट कर सकते हो, एंड ब्लैंक वाले को आप ग्रीन में डिनोट कर सकते हो। दीज आर कॉल्ड द विस्क एंड दिस इज कॉल्ड द बॉडी। आई हैव पुट द वेरियंस ओवर हियर, ऐसे बहुत सारे वेरियंस हैं, आप जस्ट पुट द बेसिक वेरियंस ओवर हियर। यहाँ पे क्या है, देखो ये पूरा ब्लैक है, पूरा ब्लैक का क्या मतलब है, दिस वॉज द हाइएस्ट, दिस वॉज द लोएस्ट, एंड यहाँ पे दिस वॉज द ओपनिंग प्राइस एंड दिस वॉज द क्लोजिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से कम था। एंड हैवी सेलिंग, हैवी सेलिंग क्यों, बिकॉज जब आप कोई चीज़ बेचते हो व्हेन द बेसिक इकोनॉमिक्स होता है, जब आपका सेल्स सप्लाई ज़्यादा होता है, सप्लाई ज़्यादा होता है तो प्राइस कम हो जाता है, यानी कि ओपनिंग ज़्यादा है क्लोजिंग कम, ओवर द डे इतना ज़्यादा सप्लाई हुआ है शेयर्स का दैट द प्राइस हैज़ डिक्रीज अलॉट। यहाँ पे भी स्मॉल बॉडी है, देर इज़ अ लॉन्ग टेल, सो दिस इज़ हाउ यू इंटरप्रेट ऑल द विस्क विच इज़ डन बाय द टेक्निकल एनालिस्ट पीपल। नाउ जस्ट कॉपी दिस डाउन, दिस पर्टिकुलर स्लाइड, इट्स कोई भी डाउट है जस्ट मैसेज मी, एंड डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट करना है उसके लिए आई कैन मेक वन मोर वीडियो, अगर आपसे नहीं हुआ सो जस्ट लेट मी नो।